भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने मिशन के एक इम्पोर्टेंट स्टेप को शुरू करने के लिए तैयार है। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष यान सोमवार और मंगलवार की आधी रात को TL1I यानी ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन से गुजरेगा। निर्धारित प्रक्रिया में यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यानी SOI से मुक्त होने के लिए तैयार है। इस प्रकार यह पृथ्वी सूर्य प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर अपनी 4 महीने की यात्रा शुरू करेगा। एक तरह से देखा जाए तो TL1 प्रवेश पृथ्वी से एक प्रक्षेपण है जो 19 सितंबर को भारतीय समय अनुसार लगभग रात 2 बजे आयोजित किया जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 से लगभग 110 दिनों के सफर की शुरुआत का प्रतीक है। 2 सितंबर को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के प्रसार की भी जाँच करेगा। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से सूरज की ओर जाने वाली 4 गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें TL1I ने L1 बिंदु की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया है। L1 बिंदु सूर्य को लगातार देखने की क्षमता प्रदान करता है, जो इसे सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके असर को देखने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। एक बार जब आदित्य L1 इस बिंदु पर पहुंच जाएगा तो यह एक प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश करेगा और अपने मिशन की अवधि के दौरान वहीं रहेगा। यह आइडियल पोजीशन किसी भी ग्रहण या रुकावट से आजाद होकर सूरज को लगातार देखना सुनिश्चित करती है। आदित्य L1 इसरो और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 7 वैज्ञानिक पेलोड ले गया है। ये उपकरण कोरोनल हीटिंग, कोरोना मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इनमें से 4 पेलोड सीधे सूरज का निरीक्षण करेंगे, जबकि बाकी 3 L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थान यानी इंसिटू अध्ययन करेंगे। लैग्रेंज बिंदु, जिसका नाम प्रसिद्ध इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और छोटी वस्तुओं को उनके साथ समकालिक गति में रहने के लिए आवश्यक सेंट्रिपिटल फोर्स के बीच एक आदर्श संतुलन प्रदान करता है। आदित्य L1 मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल देश की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला को चिन्हित करता है, बल्कि महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने का जरिया भी है, जो सूर्य और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। आदित्य L1 से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।